हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे कमेंट में कई ऐसे सवाल आए कि कैसे जाने कि हमें सच्चा प्यार हो गया है, ऐसे कैसे संकेत हो सकते हैं जिससे हमें पता चले। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जब सच्चा प्यार आपको होता है तो आपको एक अलग एहसास होता है। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतें कई तरह से बदल जाती है। ये अक्सर लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ ऐसी आदतें होती है जो प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती है? तो लड़के और लड़कियाँ दोनों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, दोनों को ही पता चलेगा कि हम सच्चे प्यार में है या नहीं। अक्सर शादी के बाद भी लड़का और लड़की की ज़िंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं तो कुछ अलग तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हो कौन सी प्यार की निशानियाँ हैं जिससे पता चले कि आप सच्चे प्यार में पड़ गए हैं। सबसे पहला है चलते वक्त ख्यालों में रहना। आप अगर सड़क पर चल रहे हैं और आप कहीं खोसे गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप चलते फिरते भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आपको उससे सच्चा प्यार हो गया है। यह सच्चे प्यार की पहली निशानी है। नंबर दो पे जो संकेत है वो है गैर मौजूदगी में अकेलापन। अगर आप उसके साथ नहीं होते या फिर आप जहाँ है वहाँ वो मौजूद नहीं होती तो आपको बेहद अकेलापन महसूस होता है। अगर ऐसा होता है तो वो सच्चा प्यार है, क्योंकि दोस्तों हम उनको ही मिस करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप उनकी गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस करते हैं, लॉनलीनेस महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आपको उनसे कहीं ना कहीं सच्चा प्यार हो गया है। नंबर तीन पे उनकी खुशी में खुश होना। यानी कि दोस्तों, अगर कोई वो जॉब कर रही है, कोई स्कूल में है या तो फिर कॉलेज में, तो अगर उनका अच्छा रिजल्ट आता है, उनको प्रमोशन मिलता है, उनकी सैलरी का ग्रोथ बढ़ता है, तो दोस्तों उसमें भी आपको खुशी होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीत हुई है, तब समझ लेना चाहिए कि वो भी एक सच्चा प्यार है। जब आपका पार्टनर दोस्तों दुखी होता है, तब दुखी होते हो, तब भी समझना चाहिए कि आपको सच्चा प्यार हुआ है। नंबर चार पे जो संकेत है वो है पब्लिक का ख्याल नहीं रखता। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया है तो भीड़ में भी आप इतने खोए हुए हो, आसपास कौन है आपको कुछ नहीं पता चलता। जैसे दोस्तों मूवी में बताया जाता है, वो चलते जाते और पीछे बैकग्राउंड में गीत चलता है और किसी का ख्याल नहीं रखता, किसी से टकरा जाते, कोई चीज़ गिर जाती है या तो फिर कोई अचानक से गाड़ी आ जाती है, तब वो नींद से या तो सपने से बाहर आते हैं। ऐसे ही अगर आप खो जाते हो तो ये भी एक सच्चे प्यार की बहुत ही बड़ी निशानी है। नंबर पाँच पे जो संकेत है वो है बुराई में भी अच्छाई नज़र आती है। हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर जितना भी बुरा हो लेकिन आपको अच्छा लगता है, वो कुछ भी बुरा करे उसमें भी आपको अच्छा लगता है। जब आपको किसी से सच्चा प्यार होता है तो यही सब होता है, सामने वाले की बुराई भी अच्छाई बन के सामने आ जाती है, आपको उसकी गलतियों से भी प्यार आने लगता है। और यही दोस्तों सच्चा प्यार है, सामने वाले को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, यही सबसे बड़ी निशानी है प्यार की। अगर आपको भी बुराई में अच्छाई नज़र आती है सामने वाले पार्टनर में, तो समझ लीजिए आपको भी सच्चा प्यार हो गया है। नंबर छः पे जो संकेत है वो है आप उससे लड़ाई करके भी दुखी हो जाते हो। हाँ दोस्तों, कभी कभी हम किसी के साथ लड़कर हमें आनंद आता है, हमें लगता है कि मैंने मेरा बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपको लड़ने के बाद दुख होता है। किसी बात को लेकर अगर आप लड़ाई कर लेते, कुछ भी बोलने के बाद आपको पछतावा होता है, लेकिन किसी और का उनके खिलाफ बोलना आपको पसंद नहीं आता, तो दोस्तों दोनों कंडीशन समझ नहीं होगी। जब आप लड़ते हैं तब आपको पछतावा होता है, लेकिन जबकि कोई और उनको बोल देता है, कोई और उनके साथ फाइट कर देता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, अब वो तीसरे व्यक्ति के साथ फाइट करने लगते हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों ये सच्चा प्यार है और ऐसे प्यार को कभी जाने नहीं देना चाहिए। नंबर सात पे जो आखिरी संकेत है वो है कुर्बानी देते हैं आप। आप अपने प्यार के लिए हंसते हंसते कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप उनसे कितना प्यार करते हैं दोस्तों ये यही चीज़ दिखाती है। महंगी से महंगी चीज़ हो, वो इतना इम्पोर्टेंट आपका सपना हो, तो भी उनके लिए आप कुर्बान कर देते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए वो सच्चे प्यार की बहुत ही बड़ी निशानी है। तो ये सातों में से कितने संकेत आपके रिलेशनशिप में, मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चलेगा कि वो सच्चा प्यार है या तो फिर आप सच्चे प्यार में पड़ गए हैं या नहीं। दोस्तों, आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जीएबीएफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।